शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम अक्सर आपसे किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और साथ ही आपको इसके उपचार की भी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए नई जानकारी लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि किडनी के रोग में अनानास का क्या महत्व है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आप हमारे द्वारा पोस्ट की गई जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा आहार और योग जरूरी होता है। अच्छा आहार स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और अगर स्वास्थ्य में कुछ भी कमी होती है तो इसका साफ मतलब है आपका बदलता लाइफस्टाइल, जिसके कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बदलती जीवन शैली के चलते किडनी से जुड़ी समस्याओं में काफी वृद्धि हुई है। किडनी की समस्या अक्सर आपके द्वारा लिए जाने वाले अनावश्यक आहार के सेवन से होती है। चलिए बात करते हैं किडनी में खराबी के कुछ कारणों के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी भी प्रकार का दर्द महसूस होता है तो हम पेन किलर खा लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी की समस्या का कारण अधिक पेन किलर का सेवन भी हो सकता है। ज्यादा दवाइयां खाने से किडनी के काम पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं आपके द्वारा लिए जाने वाले आहार की। अगर आप अधिक मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉस्फोरस वाली चीज़ों का सेवन करती हैं तो ये आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला कारण है यूरिन रोकने की आदत। ऐसा करने से कई सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, लेस यूरिनेशन, यूरिन कलर चेंज, इरिटेशनल यूरिन, ब्लड यूरिन और फोमी यूरिन। अगला कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय पर ना सोना और ना जागना। कुछ लोग काम के चलते ना तो समय पर सोते हैं और ना ही समय पर जागते हैं। इसके कारण ना तो उन्हें व्यायाम का समय मिल पाता है और ना ही वो पूरी नींद ले पाते हैं। व्यायाम के लिए समय ना निकाल पाना और उस पर बेवक्त अनावश्यक भोजन लेना अक्सर वजन बढ़ने का कारण होता है। ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से किडनी से जुड़ी समस्याएं आ जाती हैं। अपने विषय पर आगे बढ़ने से पहले दर्शकों के लिए एक सवाल, किडनी को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही आप अपनी किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं किडनी रोग के लिए अनानास कैसे फायदेमंद है। अनानास का स्वाद खाने में खट्टा मीठा लगता है और इसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखता है। अनानास यानी पाइनएप्पल में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉस्फोरस मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखते हैं और साथ ही वजन कम करने में भी सहायक होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनानास का सेवन किडनी में स्टोन जैसी समस्या को दूर करता है। साथ ही जिन लोगों को किडनी में दर्द की शिकायत बनी रहती है उनके लिए भी अनानास का सेवन काफी फायदेमंद होता है। आप अनानास को काट कर खा सकते हैं या इसका जूस भी आप पी सकते हैं। इसका सेवन किडनी के लिए अच्छा होता है। अनानास में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, साथ ही ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। जिन्हें अक्सर सर्दी, खांसी, सूजन, गले में खराश और गठिया जैसी समस्या बनी रहती है उनके लिए अनानास काफी फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, अनानास का सेवन आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी सही रखता है। जिन लोगों के शरीर में सूजन लंबे समय से चली आ रही हो उनके लिए अनानास काफी अच्छा होता है। अगर प्रतिदिन 3 पीस अनानास का सेवन किया जाए तो शरीर की सूजन से छुटकारा पाया जा सकता है। अनानास का रोजाना सेवन स्टोन के दर्द से राहत दिलाता है और साथ ही इसका जूस किडनी को डिटॉक्स करके उसकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है। अगर आप रोजाना अनानास का सेवन करते हैं तो यह आपकी आंखों के लिए भी लाभदायक होता है। साथ ही इसका सेवन कैंसर को भी दूर करता है। जो लोग एस्मा पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अनानास का सेवन लाभदायक है। इसका नियमित सेवन कफ जैसी समस्या को दूर करता है। अनानास में पोटाशियम और सोडियम की सीमित मात्रा होती है जिससे ये हाई बीपी की समस्या को भी नियंत्रित करता है। अनानास का सेवन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और साथ ही इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिसके कारण किडनी भी अपना काम सही ढंग से कर पाती है। ये तो थे अनानास के कुछ फायदे। अब बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उन्हें अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अनानास में शुगर की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद व्रत के दिन अनानास का सेवन करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो लोग ब्लड को पतला करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं उनको अनानास का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। अनानास में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जिसका अधिक सेवन कई बार उल्टी, पेट दर्द और सिर दर्द जैसी समस्या बना सकता है। एक खास बात, जिनकी कोई भी सर्जरी हुई है उन्हें अनानास के सेवन से दूर रहना चाहिए।
तो ये हैं अनानास के कुछ नुकसान। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर आपकी किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा आपको किडनी से जुड़ी समस्या का सफल इलाज प्रदान करता है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है राजेश। कौन है पेशेंट आपके? दोस्त के भाई। कहाँ के रहने वाले? यूपी में। कहाँ से? लोहता। कौन सा जिला पड़ता है? वाराणसी। जब आए थे उस समय क्या क्या तकलीफ हो रही थी? काफी तकलीफों में थे, क्या बताया था उन्होंने आपको? यही थी सर, दोनों किडनी में प्रॉब्लम थी। अच्छा। तकलीफ बहुत ज्यादा था, टेंशन काफी बढ़ गया था। इधर उधर दौड़ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मालूम चला तो यहाँ पे आए, अब आपको दिखाए। पहले से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। रिपोर्ट्स जो कराई हैं ये भी बताती हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट आया। लोहता बाजार वाराणसी से पेशेंट आए हैं, सही कह रहा हूँ? हाँ सर। क्रिएटिनिन जो था इनका वो इसमें देखे 7.56 था 24 नवंबर 2018। 7.56 एंड यूरिया वाज अबाउट 188.21। स्पर्श डायग्नोस्टिक से इन्होंने कराया, आस पास से ही कराया अपने वाराणसी से। उसके बाद ये क्रिएटिनिन रिड्यूस हुआ एंड 7.5 से आया 7.2। और ये क्रिएटिनिन जो है 7.2 की रेंज में आया उसके बाद। और ये टेस्ट इन्होंने कराया दिसंबर में, यानी कि मात्र एक आध महीने के अंतराल में। उसके बाद एक और जांच हुई है और ये हुई है डॉक्टर लालपैथ लैब से 15 मई 2019। इसके अंदर इनका जो क्रिएटिनिन आया वो है 5.22, यूरिया आया 67.1। और अब एक इन्होंने दोबारा से डॉक्टर लाल से कराया है, इसके अंदर क्रिएटिनिन है 4.2 और 86.1। अब अगर हम पहले और लास्ट वाली यानी कि अभी की जो रिपोर्ट्स हैं और फर्स्ट वाली रिपोर्ट्स को कंपेयर करें तो क्रिएटिनिन जो है 7.5 से लेके 4.4 हो चुका है, यूरिया 188 से लेके 86 हो चुका है। काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट जिनको नज़र आई है। और क्रिएटिनिन यूरिया ही नहीं, फिजिकल लेवल पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए हैं। वाराणसी से पेशेंट आए हुए और बहुत अच्छे इनको विजिबल रिजल्ट्स हुए। दोस्त के भाई हैं ये, लेकिन रिपोर्ट से सारे लेकर आए हैं और किस किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आई है और रिपोर्ट्स बता रही है। क्रिएटिनिन जो है वो डायलिसिस वाली स्टेज से बाहर आ चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205, 0111-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।